नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज बात करने वाले हैं राहु राशि परिवर्तन के बारे में। जैसा आप जानते हैं, आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राहु का आने वाले 18 महीनों तक मीन राशि में गोचर रहेगा, क्योंकि राहु जब भी गोचर करते हैं तो राहु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं। अब ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के तहत अभी तक हम लोगों ने मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में बातचीत कर लिया है। अगर आपका लग्न और राशि इन्हीं में से कोई एक है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। अब जो बात करने वाले हैं वो तुला लग्न और तुला राशि के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी गोचर प्रभाव को देखें तो उसे दोनों तरीके से देखिए, अपने लग्न से भी और अपनी राशि से भी। अगर लग्न से आपको गोचर का प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है और राशि से खराब दिखाई दे रहा है तो इसका प्रभाव आपके लिए मीडियम होगा। अगर लग्न से आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है और राशि से भी बहुत अच्छा दिख रहा है तो इसका प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर लग्न से इसका प्रभाव आपको कमज़ोर दिख रहा है और राशि से भी कहीं ना कहीं खराब दिखाई दे रहा है, तब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रभाव आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए और उपाय करने चाहिए। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और बात करेंगे तुला लग्न या तुला राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 7 नंबर से शुरू होती है तो ये वीडियो आपको देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां पर 7 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। तुला लग्न और तुला राशि आपके लिए, आप जानते होंगे ऑलरेडी कि आपके पंचम भाव से शनि का गोचर हो रहा है और शनि का गोचर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला था। बीते कई महीनों से आपने ये चीज नोटिस कर ली होगी कि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ना हो जिनकी पर्सनल जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां अच्छी हों, लेकिन ज्यादातर तुला लग्न और तुला राशि वाले इसलिए परेशान हैं क्योंकि जब राशि से पंचमस्थ शनि चलते हैं तो ये आपको परेशान करने वाले होते हैं और तरह तरह की परेशानियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो ये तो आपने महसूस कर लिया होगा। आपकी राशि से राहु का गोचर 6ठे भाव में होने जा रहा है। अभी तक राहु आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे थे। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको क्रिएट दिखाई दी होगी कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है। जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनको लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा था, बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे थे तो कर नहीं पा रहे थे। प्रॉपर्टी और धन से संबंधित परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ रहा होगा। खर्च, आप कह सकते हैं बेफिजूल के जो आपके खर्च हैं या इनकम के सोर्स में आपको, जो आपके आय के साधन है उसमें आपको समस्याएं दिखाई दे रही होंगी। चिड़चिड़ापन, मानसिक थकावट, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें आपने महसूस की होंगी। ऐसी तमाम परिस्थितियां आसपास आपके बन रही होंगी जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरीके की परेशानियों का सामना रोज करना पड़ रहा था। इसलिए बोला क्योंकि राहु अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं और राहु अब आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जहां काफ़ी हद तक स्थितियां सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। एक दृष्टि, अभी तक राहु आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे थे तो उनकी एक दृष्टि आपके 3रे भाव में भी पड़ रही थी, और 3रे भाव में राहु की दृष्टि का मतलब भी यही है कि आप पराक्रम तो कर रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपने मेहनत में बिल्कुल कंजूसी नहीं की, लेकिन ये बात आप ही अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी मेहनत का कितना फल मिल रहा था। ऐसी ऐसी परेशानियां जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था वो आपको परेशान कर रही थी, ये बात बिल्कुल सच होगी। कई लोग, कुछ लोगों के साथ ऐसा, जिनके साथ नहीं है वो अलग बात है उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जिनकी कुंडली मैंने देखी, तुला लग्न और तुला राशि वालों को परेशानियां देखनी पड़ी। अब राहु भी आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे थे, आने वाले 30 अक्टूबर को राहु आपके 6ठे भाव में गोचर करने लगेंगे। जब भी किसी पाप ग्रह का गोचर 6ठे भाव से होता है तो यह बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं होता, क्योंकि पाप ग्रह जब 6ठे, क्योंकि 6ठे भाव को भी अच्छा नहीं माना जाता, तो 6ठे भाव से पाप ग्रह का गोचर परेशानियों को खत्म करने वाला होता है। आप 6ठे भाव से देखते क्या क्या है, तो 6ठे भाव से कॉम्पिटिशन देखते हैं, आपके दुश्मनों को देखते हैं, आपके ऊपर अगर कोई कर्ज है उसे देखते हैं, आपके जीवन में जो परेशानी चली आ रही है उसे देखते हैं, आपके हेल्थ में अगर लगातार कोई गिरावट आ रही है, आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं उसे देखते हैं। राहु जैसा ग्रह जब यहां से गोचर करेगा तो आपके लिए 2-3 प्लस पॉइंट है। पहली चीज, राहु जिसकी राशि में गोचर कर रहे हैं वो राशिपति 7th में गोचर करेंगे, यानी गुरु, तो राहु उनके साथ तात्कालिक मित्रता में हो गए। अब राहु जैसे ही गुरु की राशि को छोड़ेंगे तो गुरु फ्री हो जाएंगे, और जब गुरु फ्री हो जाएंगे तो वो सब जगह जहां जहां ये राहु बिगाड़ के गया है, गुरु वहां पर सही करने का काम शुरू कर देंगे। अर्निंग को बढ़ाना, आपके व्यक्तित्व को सुधारना, आपके पराक्रम में आपको रिजल्ट करना, छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से परिवार के साथ संबंध अच्छे करना, आपके जो मैरिड लाइफ है उसको सुधारना, ये सारी चीज़ें गुरु शुरू कर देंगे। 6ठे भाव में बैठ के राहु सबसे पहले तो जो लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह अगर आपके जीवन में प्रतिस्पर्धा जुड़ी हुई है उनको सफलता दिला देंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये 18 महीने आपको सजग होकर और पूरी मेहनत से प्रयास करना चाहिए। इस दौरान आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।
इस दौरान जिस दौरान राहु आपके छठे भाव से गोचर करेंगे, अगर किसी शत्रु से किसी ऐसे दुश्मन से आप परेशान थे जिससे आप झगड़ना नहीं चाह रहे थे, आपका ये मन था कि ये बस हमारा पीछा छोड़ दे, तो आप गौर करेंगे कि ऐसी स्थितियां बनेंगे कि हर वो इंसान जो अभी तक आपके पीछे पड़ा था आपका पीछा ऑब्वियस या तो आपको वो पीछा छोड़ देगा और या तो आपसे वो हारेगा, क्योंकि ये टाइम आपका अपने दुश्मनों के ऊपर हावी होना है। जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं लाइक एडवोकेट हैं या किसी भी तरह कानूनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं या कानून से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग डॉक्टर्स वगैरह हैं या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा, उनके बिजनेस में या उनकी नौकरी में ये ग्रोथ दिलाने वाला होगा। आपने देखा होगा छठे भाव से जब हम छह घर आगे बढ़ते हैं तो हमको इलेवेंथ हाउस मिल जाता है। इलेवेंथ हाउस का मतलब क्या होता है? इलेवेंथ हाउस का मतलब होता है ग्रोथ, छठे से छठा, तो कहीं ना कहीं ये आपकी इनकम में ग्रोथ दिलवाने वाला होगा। अब तुला राशि के लिए राहु का ये गोचर जो कि आपके छठे भाव में होने जा रहा है, पहली पांचवीं दृष्टि से ये आपके दशम भाव को देखेगा, सातवीं दृष्टि से ये आपके बारहवें भाव को देखेगा और नवीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेगा। देखिए खुद राहु का गोचर छठे भाव में आपको परेशानियों से निजात दिलाने वाला होगा, चाहे वो आपका कोई लोन हो, कोई कर्ज हो जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था वो कर्ज आप चुकता कर देंगे, कोई बीमारी जिसको अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे। अब राहु कैसे हेल्थ इशू देता है? राहु ऐसे हेल्थ इशू देता है जो समझ में नहीं आते। आप बीमार भी हैं, पैसा आपकी दवाइयों में भी खर्च हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कह देता है तुम सही हो, डॉक्टर बोल देता है आपको कोई मेजर इशू नहीं है। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वो बोलेगा, तो वो बोल देगा मैं मेंटल स्ट्रेस है या आप टेंशन लेते हैं, लेकिन आपने ये गौर किया होगा कि ये थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। ये सारी चीज़ें आप कम से कम डायग्नोस कर पाएंगे। अब आपको एक्चुअली जो परेशानी होगी वो आपके पकड़ में आ जाएगी, तब आप कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं। दसवें भाव में राहु की दृष्टि कार्यक्षेत्र में अच्छा रिजल्ट करने वाली होगी, लेकिन साथ में पिता के स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखना होगा। खासतौर पर अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु का किसी तरह दसवें भाव से संबंध बन रहा है तो अपने पिता की सेहत का ख्याल आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सजग होकर रखना होगा। कार्यक्षेत्र में जो लोग वर्क प्लेस से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उनके उनके जॉब करियर में ये उनको ग्रोथ दिलवाने वाला होगा। कोई नया काम अगर अभी तक आप शुरू करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे वो करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिशन वाली फील्ड लाइक आप बिजनेस कर रहे थे उसमें भी बहुत कॉम्पिटिशन था, या आप जॉब कर रहे थे उसमें भी आपको लगातार प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, तो आप देखेंगे कि इस दौरान आप अपनी प्रतिभा से ये कॉम्पिटिशन को चीर कर आगे निकलेंगे, लोगों की नजरों में आएंगे और लोग जानेंगे आपको कि हाँ ये इंसान मेहनत कर रहा था इस वजह से ये इंसान आगे आया है। पहले की हुई मेहनत अब आपको आगे तक लेकर आएगी। बारहवें भाव में राहु की जो दृष्टि है ये कुछ मामलों में तो ठीक है लेकिन ज्यादातर मामलों में ये परेशान करने वाली भी है। बारहवें भाव में राहु की दृष्टि अगर आप खर्च जो अपना खर्च है वो नियंत्रित कर लें और धार्मिक बने रहें तो ये आपको विदेश से जुड़े कामों में सफलता दिला देगी। अगर कोई काम विदेश जाना चाह रहे थे या विदेशों से जुड़ा कोई काम था उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, कहीं ट्रांसफर चाह रहे थे तो वो हो जाएगा, शिफ्ट होना चाह रहे थे तो वो भी हो जाएगा, यानी आपकी जगह परिवर्तन हो जाएगा। अब जगह परिवर्तन का काफी चीजें इस बात में भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं। वहीं दूसरे भाव में राहु की जो दृष्टि है धन भाव में, ये पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई विवाद चला आ रहा था तो उसे शांति से सुलझा लें, वो सुलझ जाएगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई विवाद चला आ रहा था जिसमें आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी तो अचानक आपको मिल सकती है, और इस दौरान कई बार आपको अचानक बड़ा धन लाभ होने के भी चांसेस हैं। अब ये तो हो गया पॉजिटिव चीज़ें, मैं आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बता दूँ ताकि आप उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहें। देखिए पहली बात जैसे मैंने आपसे कहा, लास्ट चीज़ आपकी जन्म कुंडली ही है। अपनी जन्म कुंडली में राहु को देख लीजिए कि राहु किस स्थिति में है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न और राशि राहु के लिए कारक नहीं है या राहु बहुत बिगड़ी हुई स्थिति में बैठे हैं, और मैंने कई वीडियोज़ में ये बताया है कि बिगड़ा हुआ राहु क्या होता है। देखिए राहु खुद एक पाप ग्रह है लेकिन इसको भी जब अन्य पाप ग्रह देखते हैं या राहु ऐसे भावों में बैठ जाता है जहां ये कारक नहीं होते तो राहु को कमजोर माना जाता है। राहु का भी नक्षत्र और डिग्री देखी जाती है, इसीलिए सबसे पहले जब कोई पूछता है कि हमारे राहु कैसे हैं तो हम उनके लग्न और राशि को देखते हैं कि आपके लग्न और राशि में राहु कारक है या कारक नहीं है। तो अपने भी इसी तरह जन्म कुंडली में लग्न और राशि के अकॉर्डिंग राहु को देखिए। अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो जो मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं 100% ये आपके साथ घटित होंगे, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु कारक नहीं है और बिगड़े हुए बैठे हैं तो छठे भाव में राहु का गोचर आपको परेशानी में डालने वाला होगा। किस टाइप की परेशानी? तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं लेकिन छोटे मोटे विवाद, लड़ाई झगड़ा, या आप जिस चीज़ों से नहीं उलझना चाहते उनसे उलझने में आपका समय बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद। दसवें भाव में दृष्टि डाल के पिता से संबंध विच्छेद या पिता से वैचारिक मतभेद हो जाना, पिता के स्वास्थ्य को परेशानी, और पिता जो काम कर रहे हैं उस काम में परेशानी, ये राहु दे सकता है। बारहवें भाव में दृष्टि डाल के ये आपको कोर्ट कचहरी के केस में फंसा सकता है, कोई ऐसी लीगल एक्टिविटी में फंसा सकता है जहां पे बाद में आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हों। आपके अपने हेल्थ इश्यूज में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। बारहवां भाव मेंटल असाइलम, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, इनको भी दिखाता है। तो अपनी
बीमारियों पे आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा है, या फिर आप किसी लीगल एक्टिविटी में फंस गए जिसके तहत आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा है, ये चीज़ें राहु आपको दे सकता है। 12वें भाव में राहु की दृष्टि का मतलब है कि आपको किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में तो इन्वॉल्व होना ही नहीं है, भले आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में क्यों ना बैठे हों। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, ये राहु अचानक रिजल्ट देने वाले होते हैं। इसका एक उदाहरण मैंने आपको एक बार एक वीडियो में दिया था, अगर आपको याद हो, कि आपके राहु खराब हैं, आपके राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सुबह आप तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, रास्ते में आपका आपकी गाड़ी किसी दूसरे की गाड़ी से टच हो जाती है, आप लोग बाहर निकलते हैं, छोटा सा झगड़ा एक बड़ा लड़ाई का झगड़ा हो जाता है, आप यहाँ तक कि बात हाथापाई पे उतारू हो जाती है, आप पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन। यानी आपने देखा, जो नहीं होना चाहिए अचानक से हो गया। आप कुछ देर बाद यही सोचेंगे कि कहाँ मैं तैयार होकर ऑफिस जा रहा था, कहाँ मैं यहाँ पुलिस स्टेशन बैठा हूँ। इस तरह राहु रिजल्ट करते हैं, इसीलिए राहु को अचानक मिलने वाले प्रभावों का कारक कहा जाता है। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगे कोई विवाद होने वाला है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, वहाँ से कोसों दूर हट जाइए सबसे पहले, तो अगर आपको संभलना ही है तो। और धन भाव में राहु की दृष्टि आपके पारिवारिक कलह को बढ़ा सकती है। परिवार के सदस्यों से आपको किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना। परिवार के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है या परेशानी आती है तो आपको परिवार का सपोर्ट बनना है, ना कि परिवार से अलग होना है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई विवाद चला रहा था तो उसे शांति से सुलझा लें, तो फैसला आपके पक्ष में होगा। और इस दौरान जो लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, इस तरह की फील्ड है, यहां से पैसा कमाने से बचें। क्योंकि कई बार आपको अचानक धन लाभ हो तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कई बार अचानक आपके हाथ से पैसा चला भी जाए, क्योंकि राहु की एक दृष्टि आपके 12वें भाव में भी पड़ रही है। तो अपने कुंडली में राहु की स्थिति को आपको हमेशा देख के चलना है। अगर आपकी कुंडली में राहु ऐसी स्थिति में है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। बाकी अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो 6ठे भाव में कुछ एक मामले में राहु आपको अच्छा रिजल्ट ही करेंगे। परेशानियों से आपका पीछा छूटेगा, आपके दुश्मन, आपका कर्ज, आपकी बीमारियां, इनके ऊपर आप विजयी होंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपको नई प्रगति मिलेगी, आप प्रोग्रेस करेंगे, ग्रो करेंगे, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो। हाँ, आपके परिवर्तन के योग बन रहे हैं, हो सकता है इस दौरान आप ट्रांसफर वगैरह आपका हो जाए, लेकिन अब आपका पर्सनल कुंडली के राहु तय करेंगे कि ट्रांसफर अच्छी जगह हो रहा है या खराब जगह। स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं, धन आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इस समय आपके शनि राशि से पंचमस्त चल रहे हैं, तो उस मामले में राहु आपको काफी हद तक कुछ रिलीफ तो दे देंगे। लेकिन शनि और राहु को शनिवत फल देने वाला कहा गया है, जैसा शनि वैसा राहु। खैर, राहु का गोचर 6ठे भाव में आपको काफी हद तक अच्छे रिजल्ट करने वाला होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि राहु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे, तो हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की पूजा किसी भी तरह राहु के रिजल्ट को कंट्रोल करती है और उसको अच्छा यानी पॉजिटिव बनाती है। अगर चाहिए तो हनुमान चालीसा में एक संकट मोचन का पाठ होता है, संकल्प लेकर उस संकट मोचन के पाठ को कंटिन्यू करिए, और डेली हनुमान चालीसा के 3 पाठ आपको करने ही करने चाहिए। हर मंगल और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करने जाइए, उनके सामने घी का दिया जलाइए और घी से बने लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाइए। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो भले महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जैसा आपका बजट या जेब अलाउ करती है, हनुमान जी को भोग लगाइए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। धार्मिक बने रहिए, धर्म का साथ ना छोड़िए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसे राहु टैकल नहीं कर पाता। अगर आप धार्मिक हैं तो राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये था तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए राशिफल। अगले वीडियो में जानेंगे अगली राशि और लग्न के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।